गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम वंदिका लांबा, मैं एयरक्रू एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की को फाउंडर। आज हम बात करने जा रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर कोविड-19 के क्या इफेक्ट्स हुए हैं, किस हिसाब से कोविड-19 ने एविएशन इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट किया है। हालांकि इफेक्ट सारी इंडस्ट्री हुई है, द होल वर्ल्ड हैज बीन इफेक्टेड, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट What the aviation industry has gone through during this phase. Before starting this video, I would like to show you with some screen share so that it is easier for you to understand better. So, आज हम बात करने जा रहे हैं कोविडफिकेशन ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री। As I told you, मेरा नाम वंदिका लांबा, co-founder of Aircruise Aviation Private Limited. My email and my phone number is right there in front of you. If in case any information suggestions, you are very much welcome to contact us. Air transport industry worldwide is on life support. So इसको हम कह सकते हैं कि aviation industry एक तरह से एक life support पे थी, एक तरह से you can say एक ventilator, you know, it was like a ventilator because it was like the whole world has been affected due to COVID-19. So it was like a life support because COVID-19 ने पूरा economy, हमारे financial economically हर चीज को इतना झंझोर कर दिया था कि हर कोई इंसान एक दूसरे का मोहताज हो गया था बिकॉज COVID-19 ने इतना मार्केट को इफेक्ट कर दिया था बिकॉज देयर वाज नो जॉब। एयरलाइंस ने ये डिसाइड कर लिया था, एयरलाइंस एंड मेनी मेनी ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, दे हैव स्टार्टेड टेलिंग देयर एम्प्लॉइज कि जॉब नहीं है और इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन बट हम आपको पे नहीं दे पाएंगे। क्यों? बिकॉज इकोनॉमी वॉज ओवरऑल वॉज सो बैड, नॉट इन इंडिया, इट वॉज अ वर्ल्ड वाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में क्या है? इट इज रिलेटेड टू ऑल द टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर पैसेंजर एयरलाइंस होती हैं, लाइक यू हैव योर प्राइवेट एयरलाइंस एट द एयरपोर्ट, इसमें आपकी कार्गो एयरलाइंस होती हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जैसे कि बोइंग, एयरबस, एयरपोर्ट मैनेजिंग कंपनीज होती हैं लाइक दिल्ली एयरपोर्ट इज GMR, बैंगलोर एयरपोर्ट इज BLR एंड केटरिंग सर्विसेज। सो बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट इस एविएशन इंडस्ट्री में इफेक्ट हुआ है। COVID-19 की इफेक्ट की वजह से ट्रैवल एंड टूरिज्म में ट्रिमेंडस डिक्लाइन हुआ है। यू कैन से ये COVID-19 जब स्टार्ट हुआ था इन मार्च 2020, यस वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस 2020 बीइंग सच अ बैड ईयर बिकॉज ऑफ कोविड। So when the COVID-19 started in March 2020, so the जो हमारी जो ministry है, the Ministry of Health, उन्होंने ये advice किया था सारी airlines को कि जो आपकी airport की जो consistency होनी चाहिए और basically जो load factor होना चाहिए, it would be only 50%, not beyond that 50%. Why 50%? Because you cannot make all the passengers sit next to each other because of the COVID-19, because you have more chances of getting infected from other people. So by the end of August, that load factor has gone up from 50%. Woh 50% se government ne usko 75% allow kiya. But do you think that airlines ke liye woh 50% or 75% रेशियो पे एयरक्राफ्ट को रन करना या फ्लाई करना इज इट इनफ? नो, बिकॉज व्हेन आई वाज बीइंग एट द एयरपोर्ट, हमारे लिए जब एक सीट भी खाली जाता था फ्लाइट पे, फॉर एग्जांपल कोई पैसेंजर ऑफलोड हो गया, बीमार हो गया, व्हाटएवर, अगर एक सीट भी खाली जाता था, वी वर लाइक कि इट इज लाइक अ लॉ। सो नाउ फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन एग्जामिन कि जब 50% रेशियो पैसेंजर्स हैं एंड 50% रेशियो खाली जा रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड
जो लॉस का जो अमाउंट है वो रेवेन्यूज के लिए कितना है. इसी उस हिसाब से द एयरलाइंस यू कैन से दे वर फोर्स, या फिर वो मजबूर थी अपने एम्प्लॉयज को निकालने के लिए या फिर कम सैलरीज पे रखने के लिए. यू मस्ट हैव अवेयर दैट कितनी आजकल हॉस्पिटल्स पे या हर जगह जो आपकी स्ट्राइक्स चल रही है, बिकॉज इट हैपेंड एवरीवेयर. सो नाउ ये जो COVID-19 का जो इफेक्ट है ये किन किन एयरलाइंस से पड़ा है. बेसिकली इट हैज जूनड एवरी रीजन, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, पैसिफिक एंड हर जगह एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दीज आर द एयरलाइंस विच हैज बीन इफेक्टेड. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द लॉस. हम लॉसेस की बातें कर रहे हैं तो एज पर द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री अभी इस फिस्कल ईयर में, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी एंड एट मार्च 2021, तो अभी तक का जो एस्टिमेटेड फिगर है वो है 25,000 करोड़. 25,000 करोड़ का अभी तक एविएशन इंडस्ट्री को ये लॉस हो चुका है, एज आई टोल्ड यू. नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अगर हमारी अगले हफ्ते या इस महीने तक अगर हमारी वैक्सीनेशन आ जाती है तो यस, द मिनिस्ट्री हैज इन्फॉर्म द एयरलाइंस दैट यस दे कैन इंक्रीज देयर ऑक्यूपेंसी अप टू 100%. So we are expecting the 100% occupancy of the passenger transport by January 2021. Let's hope for the best. So that was the losses which I was telling you. The core product of the airline industry is the service of transporting passengers and goods to the different destinations. An aerospace manufacturer is a company or individual involved in the various aspects of designing. So, as I told you, कि aerospace manufacturer जैसे कि आपकी Boeing companies हैं, which deals with the manufacturing of the aircraft. So, जब when the whole world has been affected, so obviously, from cargo to catering to the aerospace manufacturing industry, so every industry has been affected tremendously. Like I told you, Airbus and Boeing. Okay.